अकाउंट बैलेंस चेक करेंगे प्लीज। अकाउंट नंबर बताएंगे? 4521। आपके अकाउंट में 31,500 बैलेंस है। लेकिन बाबा ने तो कहा था कि अकाउंट में 40,000 के ऊपर पैसे हैं। कल तक था लेकिन आज ही कोई पर्सनल लोन का इंस्टॉलमेंट चला गया है। बताइए आपको क्या करना है। एक काम कीजिए, आप मुझे 30,000 दे दीजिए, मैं आपको चेक देती हूँ। क्या हुआ अर्चना, कुछ प्रॉब्लम है? वो बाबा के अकाउंट में बाबा ने कहा था 40,000 है, लेकिन सिर्फ 30,000 है और मुझे 40,000 की जरूरत थी। किससे देने थे? वैश्यु की शादी के लिए बाबा ने कहीं से लिए थे, उन्हें वापस करना था। ये लो अर्चना। मानव, ये मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? मेरा मतलब है कि इसकी जरूरत आपको भी तो पड़ सकती है ना। मैं झूठ नहीं बोलूंगा अर्चना, जरूरत है मुझे, लेकिन अभी नहीं, अगले हफ्ते जरूरत है। अभी तुम्हें जरूरत है तो तुम रख लो, मुझे बाद में दे देना। अजीत, मैं तो जेल से छूट गया, लेकिन अर्चना ने अपने आप को गिरफ्तार कराकर मुझे छुड़ाया और उसने अपने लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर ली। मुझे नहीं लगता कि उसके परिवार वाले उससे खुश हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान के साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी जीनी है, वो उसके लिए पता नहीं अपने मन में क्या लिए बैठा है। अजीत, मुझे डर है कि कहीं उसका यह शक, उसका यह गुस्सा अर्चना के लिए प्रॉब्लम ना बन जाए हर बात में। मानो जरा स्पष्ट बोलो, मैं यशवंत अर्चना के लिए सही नहीं है। देखो मानो, अर्चना की शादी किसी से भी हो, भले वो इंसान गरीब हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका अच्छा इंसान होना हम सबके लिए बहुत मायने रखता है मानव, और जयवंत में इसी अच्छाई की कमी है। वैशु, क्या हम अंदर आ सकते हैं? उस दिन घर पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। अर्चना, मेरी पूरी जिंदगी में आज तक कोई मेरे साथ इस तरह पेश नहीं आया था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा और शायद वो कम था, इसलिए तुमने मुझे जेल भी भिजवा दिया। मैं नहीं जानता कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुमने क्या गलत फहमी पाल रखी है। शायद तुम अपने आप को बहुत महान समझती हो, या फिर तुमने ये सब अपने सो कॉल्ड पवित्र रिश्ते की खातिर किया। असली गुनाहगार हाथ में आ जाए, जिसकी वजह से उन दो वर्कर्स की मौत हुई थी। सर? हाँ अजीत, मानव के पकड़े जाने के बाद उस भागदौड़ में हर इंसान ये भूल गया कि असली गुनाहगार कोई और है, लेकिन अब हमें उसे पकड़ना है और सलाखों के पीछे पहुंचाना है। सर, आप सही कह रहे हैं, ये बात तो हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल ही गई थी। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास वक्त है। अजीत, बस तुम मेरा साथ दो, हम उसे जरूर पकड़ेंगे। सर, तुम्हें कालजी करो ना, मैं आपके साथ हूँ। कौन क्या सोचता है, मला काय करायचं, जाऊ दे त्यांना खड्ड्यात। मेरे लिए तो पैसा ही सब कुछ, मेरा भगवान, मेरी मंजिल। अब मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि पैसा पावर देता है और पैसा सुख देता है मेरे दोस्त। तू और तेरी सोच कभी नहीं बदलेगी। यशवंत अर्चना के लिए सही नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो तुम्हें डरा धमका कर तुमसे पेपर साइन नहीं करवाता। अर्चना से शादी करने के पीछे भी उसका कोई फायदा है। अर्चना से शादी करना उसका बड़प्पन नहीं, उसका स्वार्थ है, स्वार्थ।